हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। आज हम बात करने वाले हैं मैजिक वीडियो, क्योंकि मैजिक वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, शायद आप इतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैजिक वीडियो पे कितना अच्छा रिस्पांस आपको मिलने वाला है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप मैजिक वीडियो बनाइए, 101% आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। दूसरी बात, आप मैजिक वीडियो को एडिट कैसे करें, कैसे शूट करें, कैसे बनाएं, तो वो सारा ट्यूटोरियल आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप 101% कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कि मैजिक वीडियो पे कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो हम YouTube में आ गए हैं और YouTube में आ गए, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे मैजिक फ्लाइंग वीडियो। हमने दोस्तों यहाँ पे जैसे ही सर्च किया, अब यहाँ पे देखिए जो लोग मैजिक वीडियो बना रहे हैं कितना अच्छा रिस्पांस बना रहा है। देखिए इनके चैनल को आप ले लीजिए, अब ये लोग मैजिक वीडियो को बनाते हैं। देखो इनके अगर चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल पर देखिए आप 5.47 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और पॉपुलर शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं तो इनका देखो मिलियन में कितना व्यूज आ रहा है। देखिए दोस्तों 178 मिलियन व्यूज आया इस वीडियो पे, 161 मिलियन, 127 मिलियन, 116 मिलियन, 109 मिलियन, 98 मिलियन, 78 मिलियन, 64 मिलियन, 59 मिलियन, 59, 56, 54, 61, 50, 47, 45, 44, 47। देखिए यहाँ पे मिलियन में बात हो रही है सर, मिलियन में यहाँ पे व्यूज आ रहा है। इतना अच्छा रिस्पांस मैजिक वीडियो पे देखने को मिलता है। अगर आप मैजिक वीडियो पे काम करेंगे, मैजिक वीडियो बना के डालेंगे तो 101% आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैजिक वीडियो का एक ट्यूटोरियल बताऊँगा कि आप मैजिक वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। मैं अब आपको लेके चलता हूँ काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में मैं आपको वीडियो यहाँ पे एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम काइन मास्टर में आ गए हैं, यहाँ पे हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट नाउ, और यहाँ पे 9:16 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को लेके आएंगे जो हमने यहाँ पे वीडियो पहले से शूट करके रख दूँ, आपको किस तरीके से शूट कर लेना। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने वीडियो शूट करके रखा है, यहाँ पर मैंने देखो वीडियो इस तरीके से शूट कर लिया है, कुछ स्टेप से आप भी शूट कर लें। तो चलिए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो का हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो मैं इसको यहाँ करूँगा, यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट कर दूँगा, मेरा लेफ्ट का हिस्सा कट हो जाएगा। अब बाकी इधर हम, अब हमारा इधर का जो फालतू का हिस्सा है हम यहाँ से कट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा, क्योंकि पूरा वीडियो बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ताकि बाकी आप पूरा वीडियो इस तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिम राइट करते हैं दोस्तों। अब हम देखिए यहाँ पे कलर डालते हैं, तो कलर डाल एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा हम फुल करेंगे और इसको थोड़ा हम कम करेंगे, और नीचे नीचे वाला हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और इससे नीचे वाला इसको थोड़ा सा हम इसको हम फुल कर लेंगे, और उसके नीचे वाला टेम्परेचर इसका थोड़ा हम कम कर लेंगे स्टेप से। तो ये हमारा देखो कलर रेडिंग हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम इफेक्ट लेके आएंगे, यूट्यूब से हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना। तो हम लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाके सबसे पहले हम जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे डाल रखे हैं वो हम लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस की क्रॉप करते हैं नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट, और इसको हम जाएंगे क्रोमा की में, इसको हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में देखिए अब ये रिमूव हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे स्टेप से, और यहाँ पर हम जाएँगे एडजस्टमेंट में, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा की कलर अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा हो गया फाइनल। अब हम रोलर पे क्लिक करेंगे, इसका भी हम क्रोमा की गैप करेंगे, इसका हमने क्रोमा की गैप कर दिया, इसको हम नीचे कर लेंगे यहाँ पे। और देखिए अभी इसका जो है रोलर का जो है वो ठीक से गायब नहीं हो रहा है, तो हम इसको जो है ग्रीन कर लेंगे। ग्रीन करने के बाद में हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, ये हमारा रिमूव हो गया है, और इसका भी हम एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमने इसको भी कर लिया है, इसको हम साइड में करेंगे। अब हमारा आ गया है ट्रक का, तो ट्रक पे क्लिक करेंगे, इसका भी हम क्रोमा की गैप कर देंगे,
क्रोमा की, हम इसका भी रिमूव करते हैं क्रोमूव। अब देखिए यहाँ पे नीचे वर्ड आ रहा है तो हम इसको क्रॉप कर लेंगे, इसको हमने यहाँ से क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद में इसमें भी हम एडजस्टमेंट में चल के इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनका साइज थोड़ा थोड़ा छोटा कर, इसका साइज छोटा कर लिया है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, एम्बुलेंस पे क्लिक करेंगे, इसका भी साइज थोड़ा छोटा करेंगे, इसको भी हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे झोला पे, ये हमने यहाँ पे झोला किया इस टाइप से, ठीक है। अब इतना हम फालतू एरिया जो है इसका क्रीम राइट कर देंगे। अब ट्रक का हमारा, तो हम इस पे शुरू में आएंगे, यहाँ पे की लगाएंगे, की का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इस स्टेप से आगे बढ़ना है। जो हमने झोला ऊपर किया, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और उसको हम यहाँ स्टेप से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और इसको हम लास्ट में करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, इसको हम थोड़ा साइज छोटा करेंगे स्टेप से, और इसको हम यहाँ लेके आएंगे स्टेप से। यहाँ लाने के बाद आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पर पॉप का ऑप्शन मिलेगा। पॉप पे जाने के बाद आपको यहाँ इसका रेडिएशन 0.5 कर देना है। यहाँ आपको करने के बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टेप से और इसको जब प्ले करेंगे तो ये हमारा फिट बैठ गया। अब दूसरा वाला हमें क्या करना है, जहाँ से हमारा हो गया अब यहाँ से हमें इसको आगे लेके आना है स्टेप से, इसको इतना कर लेना है। मैं दो का ही रखा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दो का ही रखा है मैंने इसमें, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसमें इसको मैं कट कर दूँगा। शुरू में आएंगे इसके की पे क्लिक करेंगे और इस टैब से आगे जाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और उसको नीचे लेके आएंगे स्टेप से, यहाँ लेके आ गए हम। वीडियो के एंड में आएंगे और इसका साइज हम जो है छोटा करेंगे स्टेप से और यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे हम इन एनिमेशन में जाएंगे, पॉप पे जाएंगे और इसका भी हमें साइज 0.5 कर देना है। स्टेप से जब आप कर देंगे फिर आप इसको जब प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये फाइनली आपका वीडियो बनके रेडी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस वीडियो को कैसे एडिट करेंगे। इस वीडियो को एडिट करना बहुत ही आसान है, बस आपको पहले एक्टिंग करनी है दोस्तों। अगर आप इस स्टेप से एक्टिंग कर लेंगे तो आप 100 आपने देखा होगा कि इस तरीके की वीडियो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो को देखना पसंद करते हैं। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो आप मैजिक चैनल बनाइए और आप मैजिक वीडियो एडिट करिए, वीडियो आप पर डालिए, आपको 101% आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही टैग वीडियो मैजिक वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय।